सिंगरौली में चुनैया नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण नदी पार कर रहे जायसवाल परिवार के 4 सदस्य तेज बहाव में बह गए, जिसमें से एक 9 वर्षीय बच्ची प्रियंका जायसवाल किसी तरह से नदी पार करने में सफल रही, जबकि 2 अन्य महिलाएं डूबने से मौत हो गई और अभी एक की तलाश जारी है। सराई थाना कोनी गाँव में रहने वाले लोग जंगल में लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करते हैं। गत दिवस जायसवाल परिवार की 3 महिला और एक बच्ची लकड़ी काटने जंगल में गई हुई थी। जंगल में पहुंचने के लिए कोनी गांव के रहवासियों को नदी पार करके जाना पड़ता है। वैसे तो यह नदी साल के 9 महीने सूखी रहती है, लिहाजा इसे स्थानीय स्तर पर बरसाती नदी भी कहते हैं, लेकिन तेज बरसात के चलते नदी में बाढ़ आ गई और जैसे ही महिलाएं और बच्चे नदी पार करने के लिए नदी में उतरे, तेज बहाव के साथ बहने लगे। हालांकि 9 वर्षीय बच्ची किसी तरह तैरकर बाहर आने में सफल रही, वहीं 3 महिलाएं पानी के साथ बह गईं। 2 महिलाओं का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। एक्चुअली कल शाम को 7:30 बजे इधर जंगल तरफ बरसात ज़्यादा हुई और पानी एकाएक नाले में आया और ये लोग जंगल की तरफ से 7 लोग आ रहे थे, जिसमें से 4 लोग नाले में उतरे। 4 लोगों में से एक बच्ची जो थी वो बच गई, सुप्रिया नाम की, बाकी 3 लोग उस नाले में पानी में बह गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।